अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 17 रमज़ान मुसलमानों को अल्लाह ने सबसे बड़ी और अज़ीमुश्शान फ़तह अता की। ये फ़तह है जंगे बदर की। आज हम लोग इस वीडियो में जंगे बदर पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस जंग की वजह क्या थी और इसकी नौइयत क्या थी और ये जंग कैसे हुई और अल्लाह ने कैसे गैबी मदद की और हमें इस जंग से क्या सबक मिल सकता है। सबसे पहले जंगे बदर का पस मंज़र और उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। कुरैश ने मुसलमानों पर 13 साल मुसलसल शदीद जुल्म सितम किए, यहाँ तक कि उन्हें हिजरत पर मजबूर कर दिया। मुसलमानों के सारे दौलत और प्रॉपर्टी सीज कर लिए गए। मौलाना सैफुररहमान मुबारक पूरी ने अपनी किताब अर रहीकुल मखतूम के सफ़ा 269 में लिखा है कि कुरैश में मुसलमानों की हिजरत पर बहुत तैश और गुस्सा था। वो मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको ख़त्म कर देना चाहते थे। साथ ही जो कमज़ोर मुसलमान मक्का में रह गए थे उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। चूँकि मदीना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर सिचुएटेड था और मक्का का जो ट्रेडिंग कारावान यानी तजारती काफिला को शाम जाने के लिए मदीना के पास से गुजरना पड़ती थी, तो मुसलमाना ने मदीना ने उनके काफिला पर अटैक सरैया और गजवात से ये चाहा कि कुरैश अपने इक्तसादी और असबाब मईशत को ख़तरे में देखकर सुलह करें और कमज़ोर मक्का के मुसलमानों पर जुल्म न करें और अल्लाह के दीन के रास्ते में रुकावट न बने। लिहाजा इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए, इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए 8 से ज़्यादा सरैया हुए जिसमें कुरैश के कारावान पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्हीं दिनों में कुरैश का एक सबसे बड़ा तजारती काफिला अबू सुफियान की क़्यादत में शाम से लौट रहा था। इसमें अहले मक्का की बड़ी माल और दौलत थी। 1000 ऊँट थी जिसमें कम अज़ कम 50,000 दिनार और 262 kg सोने की कीमत के साजो सामान उस ऊँटों पर लदे हुए थे, जिनके हिफाजत के लिए सिर्फ 40 लोग थे। प्यारे नबी ने हज़रत तलहा बिन उबैदा और सईद बिन जैद को उस काफिले का अपडेट लाने के लिए भेजा। वो काफिला जब मकाम हौरा से गुजरा तो दोनों सहाबी बहुत तेज़ रफ्तारी से मदीना आए और प्यारे नबी को इसकी खबर दी। रसूल अल्लाह ने ऐलान किया कि कुरैश का यह काफिला माल दौलत से भरा पड़ा चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो और दौड़ो, हो सकता है कि अल्लाह बतौर गनीमत इसे हमारे हवाले कर दे। आपने किसी पर भी रवानगी को ज़रूरी करार नहीं दिया क्योंकि ऐलान के वक्त ये तवक्का नहीं थी कि काफिले के बजाय कुरैश के लश्कर से मैदान बदर में पुरजोर टकराव होगा। लिहाजा आप रवानगी के लिए तैयार हुए। आपके साथ कोई 313 या 317 सहाबी थे जिनमें 82 या 87 मुहाजरीन और बाकी अंसार थे। अंसार में से 61 कबीला औस के और 170 कबीला खजरज के थे। चूंकि मुसलमान काफिले के पीछे जा रहे थे तो गजवा और किसी जंग जैसी कोई तैयारी नहीं की गई, इसीलिए उनके पास पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े, एक हज़रत मिकदाद इब्न अस्वद और दूसरा ज़ुबैर बिन अवाम के पास थी और सिर्फ 8 तलवारें थी और 80 ऊँटनियाँ थीं। दूसरी तरफ अबू सुफियान अपने काफिले की सलामती के लिए काफ़ी परेशान और मोहतात था। उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मदीना से रसूलुल्लाह और उनके साथी काफिले का रास्ता रोकने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा उसने जमजम बिन उमरू गिफारी को काफिले की हिफाजत के इकदामात के लिए मक्का भेजा। वो मक्का जाकर के चिल्लाया, ऐ कुरैश, तुम्हारा तजारती माल जो अबू सुफियान लेकर के आ रहा है उस पर मोहम्मद और उसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं। यह सुनकर पूरा कुफ्फार मक्का उठ खड़ा हुआ। हर आदमी या तो खुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था। इब्तदा में मक्का के लश्कर की तादाद 1300 थी और लश्कर के सिपा सालार तागूत अकबर अबू जहल बिन हिशाम था। वहीं दूसरी तरफ अबू सुफियान नहायत ही चाको चौबंदी से मैदान बदर से पहले ही मगरिब की तरफ अनकॉमन रास्ते से निकलकर काफिले को मदनी लश्कर से बचा लिया और फौरन ही मक्की लश्कर को काफिले के बच जाने और निकल जाने की इत्तला देने के लिए खबर भेजा। मक्की लश्कर उस वक्त जोफा में थी। काफिले की सलामती की खबर मिलने के बाद अखनस बिन शुरीक ने मशवरा दिया कि अब वापस लौट जाना चाहिए, मगर दूसरे सरदारा ने मक्का ने उसकी बात नहीं मानी। मगर बनू जहरा अपने 300 लोगों को साथ लेकर के लौट गए। अब मक्का के लश्कर की तादाद 1000 थी। अबू जहल ने यहाँ एक बहुत ही तकब्बुर और मगरूरियत वाली तकरीर की और कहा कि हम बदर में जाएंगे, 3 रोज़ क़याम करेंगे, खाएंगे पियेंगे, शराब पियेंगे और लौंडियाँ हमारे लिए नाचेंगी, यहाँ तक कि दूसरे के दिलों में हमारी धाक बैठ जाएगी। फिर वो लोग बदर की जानिब रवाना हुए। हालात एक हालात एकदम बदल गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो थे एक काफिला को रोकने के लिए, मगर अब एक मुसल्लह फौज से खून रेज जंग दरपेश थी।
आपने फौरन एक इमरजेंसी शूरा मीटिंग की। इस मौके पर दो सहाबी का जिक्र बहुत जरूरी है। मिकदाद इब्ने असवद ने बहुत ही वलवला अंगेज तकरीर की और कहा कि हम बनी इसराइल जैसे मूसा से जैसे उन्होंने कहा था ऐसा हम नहीं कहेंगे। फजहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। और अंसार में से हजरत साद बिन माज ने कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अगर आप हमें साथ लेकर के इस समंदर में कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे, हमारा एक भी आदमी पीछे ना रहेगा। खुदा की कसम, अगर आप अपनी सवारी समंदर में डाल देंगे, हम सबके सब आपके पीछे समंदर में उतर जाएंगे। और खुदा की कसम, अगर आप हमें हुक्म देंगे तो बिल्कुल गबार तक पहुंच जाएंगे, यमन का एक शहर, और अपनी जो सवारियां हैं ये ऊंट और ऊंटनियां इन्हें इस तवील सफर की वजह से लागिर कर देंगे, लेकिन आप जहां हुक्म देंगे आप इस मीटिंग के बाद मदीना का ये लश्कर आगे बढ़ता गया, यहां तक कि आप बदर के करीब पहुंच गए। यहां ये बात याद रखें कि एक भी सहाबा ने यह नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सामने एक मुसल्ला फौज है, हमारे पास न घोड़े हैं न तलवार है न जीरा है, ये तो खुदकुशी होगी। सब ने अल्लाह के रसूल को माना और अल्लाह पर तवक्कल रखा। इस बीच में कई सारे जासूसी इकदामात किए गए, जिसमें एक बार तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अबू बकर के साथ दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए। जासूसों का एक और दस्ता भेजा गया जिसमें हजरत अली, जुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वकास थे। ये लोग सीधे बदर के कुएं पर पहुंचे जहां कुरैश के दो गुलाम पानी ले रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करके प्यारे नबी के पास लाया गया। प्यारे नबी ने उन दोनों से पूछा कि कुरैश के मुअज्जिज़ीन यानी बड़े लोगों में कौन कौन हैं। गुलामों ने बताया कि उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, नजर बिन हारिस और भी कई नाम गिनवाए। प्यारे नबी ने सहाबा से मुखातिब होते हुए फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों के तुम्हारे पास ला करके डाल दिया है, यानी अपने जिगर गोशों को तुम्हारे पास दे दिया है। फिर ऐशा के आसपास आप बदर पहुंचे जहां हजरत हुबाब बिन मुंजिर के मशवरे पर आप कुरैश के सबसे करीब कुआं पर पड़ाव डाले। ये एक बेहतरीन जंगी हरबा था जिससे मुसलमान लड़ते हुए पानी पर कंट्रोल रखे और पी सके, वहीं कुरैश इससे महरूम रहे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए, अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। फिर हजरत साद बिन माज की रिक्वेस्ट पर एक मरकज छप्पर की शक्ल में तामीर हुई, जिसकी निगरानी का जिम्मा भी अंसारी सहाबा के एक दस्ता के साथ साद बिन माज को मिला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ ले गए और लश्कर की तरतीब फरमाई। ये रात 17 रमजान जुमा की रात थी। इसी महीने 8 या 12 रमजान को मदीने से आप रवाना हुए थे। अगले दिन मैदान जंग में प्यारे नबी ने मुसलमानों को कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए। वहीं दूसरी तरफ अबू जहल ने भी अल्लाह से दुआ की कि जो हक पर है उसे फतह अता हो। उसी पर सूरह अनफाल की आयत नंबर 19 है, इन तस्तफ्तिहु फकद जाअकुमुल फतह व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम व इन तऊदु नऊद वलन तुगनी अनकुम फियतुकुम शैअन वलव कथरत व अन अल्लाह मअल मुमिनीन। इस जंग का सबसे पहला ईंधन अस्वद बिन अब्दुल असद मखजूमी बना, इसे जहन्नम रसीद कर दिया गया। फिर कुरैश का तीन बेहतरीन जंगजू, उतबा, उसका भाई शीबा और उतबा का बेटा वलीद लश्कर से निकला और मुकाबले के लिए चिल्लाया और दावत दी। उसके जवाब में अंसारी सहाबा हजरत औफ, मुआविज और अब्दुल्ला बिन रवाहा आए, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, वापस कर दिया गया। उसके बाद मुहाजरीन सहाबा में से उबैदा बिन हारिस, हजरत हमजा और हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत अली ने वलीद को, हजरत हमजा ने शीबा को जहन्नम रसीद कर दिया, मगर हजरत उबैदा और उतबा की लड़ाई में दोनों शदीद जख्मी हुए। हजरत हमजा और हजरत अली ने अपने अपने शिकारों से फारिग होकर उतबा का काम तमाम कर दिया और हजरत उबैदा को वापस मुसलमानों के लश्कर में उठा लाए। उधर मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। उबैदा, मैं और अली लाए। उधर प्यारे नबी ने तमाम इकदामात और तमाम तैयारियों के बाद अल्लाह के हुजूर दुआएं की, اللهم اجرني ما وعدتني اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا। या अल्लाह, तूने जो मुझसे वादा किया है वो पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, अगर ये आज हलाक कर दिए गए तो तेरी इबादत न की जाएगी। अभी आप दुआ ही फरमा रहे थे कि आयत नाजिल हुई, معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रौब डाल दूंगा। और अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जो आगे और पीछे आएंगे। आपने एक झपकी ली, फिर सर उठाया और हजरत अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आ गई। फिर आप आगे बढ़ते जाते और सयुहज़मुल जम्उ व युवल्लूना दुबुर पढ़ते जाते कि अन करीब ये जत्था शिकस्त खाएगा और पीठ फेड़ कर भागेगा। दुश्मनों के जानिब से 3 जोरदार हमले हुए। जब आपने जवाबी हमले का हुक्म दिया, दुश्मनों के जोर टूट चुके थे और उनकी तेजी जोशो खरोश सर्द पड़ चुका था। मुसलमानों ने ऐसा फैसला कुन हमला किया कि दुश्मनों के सफों के सफ उखड़ गए। चूंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे, तो सहाबा की हिम्मत का कोई जवाब न था और फरिश्तों की भी खूब मदद आ रही थी। इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उस दिन सर कट करके गिरता और हाथ कट करके गिरता और लोगों को पता नहीं चलता कि सर कौन काट रहा है और हाथ कौन काट रहा है। अबू दाऊद मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसके सर पर तलवार पहुँचने से पहले ही सर कट करके गिर गया। कहते हैं कि मैं समझ गया कि उसको मेरे सिवा किसी और ने कत्ल किया है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक का ताक़ुब कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था कि अचानक उस मुशरिक पर कोड़े की मार की आवाज़ आई। देखा तो वो घोड़े से गिरा था, उसके नाक पर चोट के निशान थी और चेहरा फटा हुआ था। उस अंसारी सहाबी ने प्यारे नबी के पास जाकर के ये माजरा बताया। आपने फरमाया कि यह तीसरे आसमान की मदद है। अबू जहल को माज बिन उमरू और मुआविज़ बिन उफरू ने शदीद जख्मी किया था। जंग के तकरीबन ख़त्म होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर काट कर आपकी खिदमत में लाया, जहां आपने यह फरमाया कि अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक वादह व नसर अब्द व हज़मल अहज़ाब वहद। फिर आपने उसकी लाश देखी और फरमाया कि यह इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन था। कुरैश का एक सरदार उमैया बिन खल्फ को मक्का में उसके गुलाम रहे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया। जंग के खात्मे पर हजरत मुसब बिन उमैर अब्दी अपने भाई अब्दुल अजीज बिन अब्दी के पास से गुजरे। उसको एक अंसारी साहबे ने कैदी बनाया हुआ था। आपने यानी हजरत मुसब ने उस अंसारी साहबे से फरमाया कि इसको और कस करके बांधो, इसकी माँ बड़ी मालदार है, वो गालिबन तुम्हें अच्छा फिदिया देगी। इस पर अब्दुल अजीज ने अपने भाई मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि मेरे लिए तुम्हारी यही वसीयत है। हजरत मुसब ने उस पर जवाब दिया कि तुम्हारे बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। ये मुआरका मुशरिकीन की शिकस्त फाश और मुसलमानों की फतह मुबीन पर ख़त्म हुई। इसमें 14 मुसलमानों ने शहादत का जाम नोश किया। वही मुशरिकीन मक्का में से 70 कत्ल हुए और 70 कैद किए गए। फतह की खुशखबरी सुनाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत जैद बिन हारसा को मदीना रवाना किया गया। मदीने में मुनाफिकीन ने बहुत अफवाह फैलाई हुई थी और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डराया हुआ था, हत्ता कि ये खबर भी फैला दी थी कि नऊज़ुबिल्लाह रसूलल्लाह को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों की फतह की खबरें सुनने के बाद एकदम से वो बेसाख्ता हमदो सना में और मुसर्रत में झूम उठे। 3 रोज बदर में क़याम करने के बाद इस्लाम का यह फातह लश्कर वापस मदीने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वादिय सफरा में आपने नजर बिन हारिस को कत्ल का हुक्म दिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो उकबा बिन मोईद को कत्ल का हुक्म दिया। ये दोनों अकाबिरा मुजरिमीन में से थे, गुस्ताख रसूल थे, लिहाजा उन दोनों का सर गर्दन से मार दिया गया। कुरान में अल्लाह ने बदर के फतह पर तबसरा करते हुए फरमाया, वज़कुरु इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदाफून फिल अर्ज़ तखाफून अन यतखत्तफकुम अन्नास फआवाकुम व अय्यदकुम बिनसरिही व रज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में कमज़ोर बनाकर रख दिए गए थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, बस उसने तुम्हारा ठिकाना रहमत फरमाया और अपनी मदद के ज़रिए तुम्हारी ताईद की और अपनी पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। एक जगह और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न कुलूबकुम बिह वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। और उस मदद को खुदा ने तुम्हारे लिए ज़रिया बशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को इससे तसल्ली हासिल हो, वरना तो मदद खुदा ही के लिए है जो गालिब और हिकमत वाला है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत बिल्कुल वही है, बस फिजाए बद्र पैदा करने की ज़रूरत है। फिदाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिदाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दू कतार अंदर कतार बाहर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।